नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है दोस्तों तारीख 1 सितंबर 2022 और थर्सडे एक्सपायरी डे था वीकली। और वीकली के बाद जो है वीकली ही था ना। हाँ बिल्कुल वीकली ही था। अब यहाँ पे कल फ्राइडे के लिए यानी कि वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो वीडियो पसंद आए जैसा कि रोज आपको बना के देता हूँ और काफी बेहतरीन मूवमेंट आते हैं, मैं वो लेवल आपको बता देता हूँ जहां पर आपकी बाइंग और सेलिंग की बनेगी अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो। इंट्राडे में भी ये काम करता है लेवल अगर आप ध्यान से थोड़ा स्टडी कर लें तो। लेकिन मैं बता दूं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपनी भी रिसर्च ऐसे जरूर कर लें। सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए और साथ ही अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। और अगेन स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें सैमको फायर्स जेरोधा एलआईएस ब्लू एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और साथ ही अगर आप लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक का एनालिसिस। एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मा का देखते हैं दोस्तों। फार्मा इंडेक्स किस जगह पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो फार्मा में देखिए आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। मैंने कल ये बात बोला था कि अगर अपने हाई को ब्रेक किया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो आया है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बने रहिए। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में फार्मा को लेकर ट्रेड करना है तो 12,500 के नीचे सेल कर सकते हैं, आपको और भी 12,400, 300 और 200 तक आता हुआ मिल सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको फिर से 12,650 से 700 के लेवल को ब्रेक करना होगा। तो एस्ट्राजेनिका आप नजर रखिए, इसका सीधा सीधा लेवल है ऊपर का 3,200। जब तक ये 3,200 को ब्रेक नहीं करेगा इसके ऊपर पोजीशन मत बनाइएगा। और विंडो फार्मा अगर 548 से 550 के ऊपर निकलता है तो बाय का पोजीशन 560 से 65 का इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। सेल करना होगा 535 के नीचे सेल करिए, इंट्राडे में 530, 525, 520 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बायोकॉन अपसाइड में देखिए डोजी बना के ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है। तो बायोकॉन 305 से 6 के ऊपर निकलेगा 310 के टारगेट, 15 के टारगेट मिल जाएगा। सिप्ला इस बॉक्स के ऊपर निकलने देते हैं सिप्ला को, जैसे इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा आपको एक अच्छी बाइंग बनेगी। 1050-55 के ऊपर बाइंग होगा 1075 से 1100 के टारगेट के लिए। इसके अलावा डिवीज लैब 3600, इसका एक ही लेवल है 3625 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, 3600 के ऊपर भी क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि उसी के आसपास ये क्लोज भी कर रहा है तो 3625 के ऊपर निकलेगा तो 3700 का नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी अपसाइड में जाने के लिए 4285 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा 4300 छोटा और बड़ा टारगेट 4350 से लेकर 4400 तक का बनेगा। ग्लेनमा फार्मा 375-76-77-78 ये लेवल ब्रेक होगा, 380-85 और 90 तक के टारगेट बनेंगे। गिनरल्स इंडिया अपसाइड में थोड़ा सा 310 के ऊपर पोजिशन बनाए तो ज्यादा बेहतर, उसके पहले मत बनाइए। डॉक्टर लाल पैथलेब देखिए इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो कल अगर 2450 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर से सेल कर दीजिए 2425 से लेके 2400 के टारगेट के लिए। इसके अलावा हम लोग लूपिन की तरफ चले तो लूपिन में पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं, 670-72 के ऊपर पोजीशन बन सकता है 680 से 700 के टारगेट के लिए। नोवार्टिस देखिए, नोवार्टिस में 720 के नीचे सेल करेंगे 700 तक का टारगेट, ऊपर जाने के लिए कम से कम 745 से 50 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको 760 से 780 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। पिरामल की तरफ चले तो पिरामल में लो को अगर ब्रेक करता है 1025 को सेल करेंगे 1000 के टारगेट के लिए, बाइंग करना होगा तो बाय करेंगे 1075 से 80 के ऊपर 1100 के लिए। स्ट्राइड फार्मा देखिए मूवमेंट करने की कोशिश तो कर रहा है स्ट्राइड फार्मा, लेकिन इसी बॉक्स में और इस बॉक्स के लोअर इन पे ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको सेलिंग करना है 320 के नीचे सेल करिए, नहीं तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 337-338 के ऊपर पोजीशन बनाइए, शॉर्ट टर्म 350-60 के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा की तरफ चले तो देखिए सन फार्मा में जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वही अभी इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से बाउंस करना चाहिए। तो लेवल आते हैं 865, उसके नीचे आएगा सेल करिए 840, अदरवाइज सही जगह है जहां से ये बाउंस कर सकता है। टोरेंट फार्मा अपसाइड में कम से कम 1575-80 को ब्रेक करेगा तो 1600 का टारगेट। वोकट फार्मा देखिए इसमें मैं पॉजिटिव व्यू में बना रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो ब्रेक हो जाता है अपसाइड में 247-48 तो 260 तक के टारगेट दिखाएगा। ZS लाइफ बिल्कुल बने रहिए अपसाइड में, 385-90 के ऊपर पोजीशन लीजिए 400-425 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा फार्मा बाद मेटल में, और मेटल मेटल इंडाइसेस 5,878 बिल्कुल खराब नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आता रहेगा तो वो आता रहे, कोई उससे टेंशन नहीं, अभी भी ट्रेंड लाइन पर होल्ड है। अपसाइड में 5,925 के ऊपर निकलेगा तो 6,000 तक के टारगेट बन सकते हैं मेटल में। अडानी इंटरप्राइज देखिए अपसाइड में बहुत ही अच्छे तरीके 3,250 से 55 को अगर ब्रेक करता है तो
3300 के टारगेट मिलेगा, 3325 के। एपीआर अपोलो कल गिरा, आज 8% ऊपर हो गया। तो कल भी मैंने क्या बोला था कि बिल्कुल बने रहिए, जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करिए सेल मत करिए, नहीं किया होगा तो जबरदस्त प्रॉफिट बन गया आप साइड में ना। तो 1045 के ऊपर कल दोबारा निकलता है तो 1100 के टारगेट देखने को मिल सकता है आपको। कोल इंडिया सेल करेंगे 229 के नीचे, टारगेट 225-220 तक का मिल सकता है। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को अच्छा रेंज में, एक छोटा सा रेंज बना रखा है, उस रेंज में हिंडाल्को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हिंडाल्को का जो रेंज है 450 के ऊपर खुलेगा, 475 से 500 के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले तो हिंदुस्तान कॉपर में भी सेम कंडीशन है, एक छोटा सा रेंज बना रखा है 120 से 121 का, वो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 129 का मिलेगा। हिंदुस्तान कॉपर के बाद चले जरा हिंदुस्तान जिंक, तो हिंदुस्तान जिंक में 285 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, हमें चाहिए 290। अगर 290 को ये अगर ब्रेक करता है दोस्तों तो ये आपको 300-320 तक के टारगेट मिलेगा। जिंदल स्टील बहुत ही बढ़िया, 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, कल वापस अगर 435 को ब्रेक करता है तो जरूर बाय करेंगे 450 से 70 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे ही बॉक्स के ऊपर 680 के ऊपर 720 का टारगेट। मिश्र धातु निगम लिमिटेड देखिए, टारगेट आज का 201 रुपए का हो चुका है, तो कल अगर लो को ब्रेक करता है 196 को तो सेल करेंगे 190 के लिए। बाइंग करने के लिए 200 का लेवल, अगर वो फिर से ब्रीच होता है तो फिर बाइंग करेंगे। मोइल की तरफ चले तो मोइल में भी अब पोजिशन बन सकता है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से मोइल ने इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो 168 से 169 से 170 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 178 से 180 तक के टारगेट बनेंगे, मोइल में ध्यान रखें। मोइल के अलावा नेशनल एल्युमिनियम देखिए नीचे के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसा लेवल है दोस्तों कि अगर इसके नीचे गिर गया 77 के नीचे तो सेल करेंगे 75 से 74 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर इसको बाउंस करना है तो यही वो एरिया है जहां से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है नेशनल एल्युमिनियम, तो इस पर कड़ी नजर बना के रख सकते हैं आप। इसके अलावा एनएमडीसी की तरफ चले तो इसमें मेरा लेवल दिया हुआ है, आप बिल्कुल 125 से 26 के ऊपर पोजीशन बढ़ा सकते हैं 130 के टारगेट के लिए। रत्ना मनी मेटल्स ने अब जब तक दोबारा 1950 को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर इसको रिटर्न होना है तो एक बार वापस से अपना लेवल 1770 से लेके 80 तक का लेवल को क्लेम कर सकता है। इसके अलावा सेल की तरफ बात करें तो सेल अभी एक रेंज में है, 83 का नेक्स्ट टारगेट होगा, लेकिन तब तक वेट करके चलना होगा। टाटा स्टील ठीक है, मूवमेंट वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर यानी 110 के ऊपर निकल जाए तो मजा आ जाएगा 112 से 114 के टारगेट के लिए। वेदांता ठीक ठाक है दोस्तों, वेदांता बहुत ही बढ़िया नीचे से 200 से 263 आ चुका है, तो वेदांता 270-72 को ब्रेक करेगा, 280 से 85 के टारगेट। सेल करना होगा 260 के नीचे 250 का इंटरडे टारगेट के लिए। विलक्षण कॉर्प की बात करें 235 के ऊपर क्लोजिंग बेस भी पोर्शन लेंगे 250 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू, चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ और आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो आईटी इंडस्ट्रीज देखिए बिल्कुल लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल अगर वापस से ये 28,100 के ऊपर निकलता तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बना सकता है, अदरवाइज यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। अब चलते जरा बिरला सॉफ्ट पे, तो देखिए बिरला सॉफ्ट में पोजीशन 324 से 25 के ऊपर लेंगे, 330 से 35 के लिए। कोफोर्स इसमें मैंने आज इंट्राडे में कॉल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे, सारे टारगेट इसके आगे थे कोफोर्स का। नीचे इसने 3459 का लो मारा, मैंने 3475 तक का फाइनल टारगेट दिया हुआ था, सारे टारगेट आ गए। तो अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कॉल मिलते हैं, मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलती है और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल है। दूसरी बात की वही, फिर से स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूरत है सेम को फायर सेल्स ब्लू एंड जनरल किसी एक में। इसके अलावा चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट की तरफ दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1045 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 1100 का टारगेट बन सकता है। एससीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें मेरा पॉजिटिव व्यू है, मैंने पहले भी बोला है कोई दिक्कत नहीं, 930 से 35 के ऊपर निकलेगा तो 950 तक के टारगेट देगा। एससीएल टेक्नोलॉजी बाद इंफोसिस बहुत ही शानदार, यहीं से ये बाउंस करता हुआ अपसाइड में जा सकता है, नेक्स्ट टारगेट 1500 के आसपास का होगा। जस्ट डायल की तरफ चले तो जस्ट डायल 610 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 620 से 40 के टारगेट के लिए। एलएनटी इन्फोटेक ठीक ठाक है, 4650 से 55 के ऊपर निकलेगा, 4800 तक के टारगेट दिखा सकता है, नीचे 45 को ब्रेक करेगा 4300 का टारगेट। माइंडट्री अपसाइड में जाने के लिए 3370 से 3380 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 3400 का छोटा, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस 3450 से 3600 का। एम्फासिस की तरफ चले तो देखिए जब तक 2060 के ऊपर बना है आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, बने रहना है। इन्फो एज की तरफ चले तो इन्फो एज में डोजी है, 4330 के ऊपर बाइंग बनेगा 4400-4450 के लिए। पेटीएम 2% आज मूवमेंट रहा है, तो मैंने कहा था कि इसके आसपास आए 680 पर तब बाइंग बन सकती है, तो कल अगर वापस 714 को नीचे ब्रेक करता है तो 700 तक या 680 तक आ सकता है, ऊपर 740 का बाइंग पोजीशन बनेगा, 740 के ऊपर 750, 60 और 70 के लिए। टाटा इलक्सी
देखिए टाटा गैलेक्सी में 9150 का लेवल वो ब्रेक करेगा तो 10,000 तक के टारगेट दिखाएगा। टीसीएस यहाँ से बाउंस करने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। टीसीएस तो अपसाइड में अगर 3200 के ऊपर निकलता है, 3220 के ऊपर निकलता है, 3300 के टारगेट, अदरवाइज वापस 3050 तक गिर सकता है। टेक महिंद्रा की तरफ चले तो 1070 के ऊपर पोजिशन लेंगे 1100 के टारगेट के लिए। विप्रो ठीक है, बने रहिए, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 395 का भी लगाइए और लॉन्ग टर्म इसको लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें, 17686 का हाई तो कंप्लीट हो गया। मैंने कल बोला था 17,000 के ऊपर बाइंग बनेगा, 17,500 तक का। अब कल वापस 17,700 के ऊपर निकलेगा तो 18,000 के टारगेट 18,200 भी बन सकता है। बजाज फिनसर्व की, बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस दोस्तों 7290 या 7300 के ऊपर पोजीशन लेंगे 7500 के टारगेट के लिए। बाइंग साइड में सेल 7100 के नीचे सेल करना है 7000 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस 810 के ऊपर पोजीशन बनेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 810 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 820 840 के लिए सेल करना होगा। तो देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया 705 का, एक बार यहाँ पर सेलिंग बन सकता है 750 का, उसके नीचे ही सेल करें चोला फाइनेंस में 725 के टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, नया पोजीशन 140 से 42 के ऊपर बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 400 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, मैंने कल भी बोला था आपको कि बहुत ही अच्छे तरीके से 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो एक मूवमेंट बना सकता है। आज का हाई है 419.50, मैंने 420 आप लोगों को बोला था, अगर ये जब दोबारा 420 के ऊपर निकल जाए तब 440 का टारगेट बनेगा। एलएनटी फाइनेंस 80 के ऊपर पोजीशन बनेगा दोस्तों 82 से 83 के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस 106 से 107 के ऊपर नया पोजीशन करेंगे, 112 का 16 का टारगेट। एमएनएम फाइनेंस 206 हो चुका है तो अब कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट टारगेट हम लोग 213 से 214 का लेके चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की तरफ चले, अगर मुथूट फाइनेंस जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1060 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है 1100 का टारगेट देगा। ऐसा ट्रांसफिन की तरफ चले तो बाय जाने के लिए बिल्कुल बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि बाइंग कहाँ करना है, बाय करना है 1335 से 36, 37, 38 के ऊपर। टारगेट इंट्राडे में 1365 तक का बनेगा। कैनफिन होम्स की बात करें तो ब्रेकआउट कर सकता है 650 के ऊपर, 675 से 700 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।